अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AS फैमिली ब्लॉग्स। तो ये है चाचा जी का घर और ये है गैरेज का गेट। तो इस तरफ गेट है, दिखा दूंगी मैं। पहले आप फ्लावर्स देख लीजिए, बहुत सारे गार्डनिंग करके रखे हैं। चाचा जी का ये फेवरेट है, मतलब गुलाब देखिए। इनका ये मेन एंट्रेंस है और ये लोग नहीं है, चाची की अम्मी के घर गए हैं, तो आ जाएंगे शायद शाम को। ये है गेट, जिस गेट से हम लोग भी एंटर करते हैं और ये लोग भी एंटर करते हैं। चाचा जी, गेट लॉक नहीं है, खुला है। ये गाड़ी, उस तरफ भी एक गैरेज है तो गाड़ी रखने के लिए। यहाँ पर भी फ्लावर्स से देख लीजिए, ये देखो ये क्यूटी फ्लावर है। और ये वाला, ये उनका घर है। चिली देखिए, मैंगो, मैंगो ट्री। यहाँ पे पहले लीची का ट्री होता था, तो अभी लास्ट 2 साल पहले शायद से कट कर दिया है। और यहाँ पे ये स्टोर, ये गैरेज है, सॉरी, हाँ, गाड़ी रखने का गैरेज है। और ये एक स्टोर रूम जैसा है, देख सकते हैं। ये पैरेट है, इसका नाम है ड्यूक। ड्यूक इना, इनका ये बैक गेट है। पिजन देखिए, ये है जामुन का पेड़, पानी जामुन बोलते हैं ना, ये देखिए। इनाया, मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स है, देख सकते हैं। ये साइड से ही किसका पेड़ है मुझे मालूम नहीं। ये फ्लावर है, हिबिस्कस देखिए। ये कोकोनट पेड़ है, कोकोनट भी है, देख सकते हैं लगा हुआ है, नारियल का। और ये तो जामुन का है, जामुन लगा ही हुआ है। ये काला जामुन का पेड़ है शायद से। और यहाँ पर भी प्लांट्स हैं, ये बेर का पेड़ है छोटा सा, ये नींबू का पेड़ है, नींबू शायद, हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, अभी हुआ नहीं है। ये बड़ा वाला नींबू, ये चिली एक दो लगा हुआ है उस तरफ भी। ये तुलसी, ये भी है हिबिस्कस का है ये, लेकिन ये पिंक वाला है, वो येलो वाला, ये पिंक वाला। ये नारियल का जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये है दालचीनी का पेड़ ये वाला। और ये है कोपो फूल जो अप्रैल में लगता है, मतलब ये आसाम का फेमस। और एक है जो सासू माँ के घर में है, उस दिन दिखाया था ना इनके घर में, वो वाला। ये सब फ्लावर है, बहुत अच्छा वाला, जैस्मिन जैसा ही लगता है, जब लगता है बहुत खिल जाता है। आज अभी सीज़न नहीं है ना इसलिए। ये मुझे मालूम नहीं किसका पेड़ है। ये है काली मिर्च का पेड़, काली मिर्च ही होता है ना ये। और ये मुझे मालूम नहीं, ये लंबा वाला बेर का पेड़ है ये वाला। आम प्लांट्स हैं, और ये भी एक स्टोर रूम जैसा ही बोल सकते हैं, लकड़ी बकड़ी रखते हैं, और मतलब जो सोका जलाते हैं ना हम लोग, लकड़ी का चूल्हा, तो उसका है। उस तरफ एक टॉयलेट भी है बाहर, इस तरफ भी कपड़ा सुखाते हैं, क्योंकि उस तरफ धूप नहीं आता है पेड़ और प्लांट्स की वजह से।
तो इसलिए यहाँ पे धूप अच्छा आता है दोपहर में, आज धूप नहीं है इसलिए। और ये सब बकरीद में यूज़ होता है। तो ये सब सामान रखा हुआ है। और कुर्बानी भी यहाँ पर ही होता है शायद, जो मालूम नहीं, पहले तो वहाँ पे होते थे जब हम लोग छोटे थे ना, अभी वहाँ पे होता है शायद से। और ये है अम्मी का घर, अब्बू का घर, मैं दिखा दूँगी। ये बरामदा है, ये बेंच में हम लोग बैठते हैं, शाम के वक्त भी बैठ सकते हैं, दोपहर में भी बैठ सकते हैं, सब लोग बैठ के, आसपास के आंटीज भी आते हैं तो यहाँ पे बैठ के बात करते हैं अम्मी के साथ। और ये है ड्राइंग रूम अम्मी का, सोफ़ा है, अम्मी ने धुले हुए कपड़ों को इस्त्री करके रखा है, शायद से इस्त्री करना है इसलिए ऐसा रखा है। चार बज के 10 मिनट हुआ है अभी। यहाँ पर भी एक बेड है, यहाँ पे कोई मेहमान आया तो सोता है, और इसके अंदर सामान से बहुत सारा है। और ये बचपन का ही बेड है, जब मैं शायद 3rd या 2nd स्टैंडर्ड में थी ना तभी बनाया था अम्मी ने ये, वो अम्मी के दहेज में आया था सोकेस, और थोड़ा सा था सोफ़ा, वो टूट गया, पुराना वाला सोफ़ा था। ये भी अम्मी के साथ डाइनिंग टेबल का शेयर है यहाँ पे, शायद थोड़ा सा टूट गया है इसलिए सामान रखा हुआ है, मतलब बाइक रखते हैं ना उसका ढकने के लिए, मतलब बारिश के मौसम में। और ये है अम्मी का रूम, ये डाइनिंग अम्मी के दहेज में ही आया था। हाँ, चेयर एक है देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी 2 शेयर शायद से टूट गया है। डाइनिंग टेबल अच्छा है, लकड़ी का है ना। और इस तरफ टीवी है, जब पुराने में टीवी स्टैंड रहता था तो टीवी स्टैंड यहाँ पर है, क्योंकि तब ये क्या बोलते हैं CRT टीवी ऐसा कुछ होता था ना, और अम्मी यहाँ पे लेट रही है। ये अम्मी के दहेज में आया था ये वाला बेड। ये अम्मी के दहेज का है गॉडरेज, ये दीदी कपड़ा यहाँ पे सिलती है। और उस तरफ किचन है, दिखा दूँगी मैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा मतलब आइटम सब घर में पहनने का सामान रखा है साइड अम्मी ने। ये भी ड्रेसिंग टेबल अम्मी के साथ आया था दहेज में। और ये है किचन, किचन सेल्फ है, गैस स्टोव है, वॉश बेसिन है, फ्रिज इस तरफ है, ये आलना है, ये भी अम्मी के दहेज में आया था। और वो जो अलमारी दिख रहा है ना, वो ग्लास का था फ्रंट में, बाकी लकड़ी का था, वो भी अम्मी के साथ आया था, वो भी टूट गया है तो अम्मी ने इसलिए वो मतलब फेंकने का मन नहीं होता ना, पुराना आइटम जैसा भी हो चाहे टूट जाए ख़राब हो जाए, पर अम्मी रखती है, अम्मी नहीं फेंकती है, तो उसको जुगाड़ करके ऐसे रख दिया है। किचन का आइटम रखा हुआ है, वो स्टोर रूम जैसा एक है। और उस तरफ बाथरूम भी है, अम्मी का और बहन यूज़ करते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं मतलब। ये भाई भाभी का रूम है, मैं दिखा दूँगी पर आवाज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये इनका ऑफिस का काम चल रहा है, मैं दिखा दूँगी। भाभी सो रही है और ये बहन अभी नहा के आई है देखिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम था घर का। कंप्यूटर टेबल, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अम्मी ने सबका सामान रहता है, मतलब ये भाभी का रूम है पर सामान सबका सामान रहता है यहाँ पे, मेरा भी है कुछ सामान। फ़ैन है, स्टैंड फैन, ये भाभी का है सिर्फ, मतलब भाभी और भाई अभी हम लोग भी यूज़ करें क्योंकि हम लोग आए हैं। घर का कपड़ा रखती है। ये एक छोटा सा कैबिनेट है, ये भाभी का गोदरेज है, भाई भाभी का। भाभी उस तरफ सो रही है, ये भाभी भाई का बिस्तर है। ये एक स्टोर रूम जैसा है, मतलब बहुत सारा सामान है ना तो यहाँ पर रखा हुआ है। हमारा सूटकेस सब भी यहाँ पर ही है। तो ज़्यादातर सामान रखते हैं यहाँ पे, ये स्टोर रूम जैसा ही सोच लीजिए, स्टोर रूम ही है, स्टोर रूम सोचने की बात नहीं है, स्टोर रूम ही। और उस तरफ बाथरूम है भाई भाभी का, तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ अम्मी और बहन ये यूज़ नहीं करती क्योंकि वो उनका बाथरूम यूज़ करती है। कभी कभार अगर मेहमान ज़्यादा हो गया तो तब यूज़ करते, अदरवाइज यूज़ नहीं करते भाई भाभी भी, भाई लेकिन भाभी नहीं, भाभी यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ नहीं करती है, रात को ही यूज़ करती, नहाने का तो अम्मी के बाथरूम में ही नहाती है ज़्यादातर।
होम टूर दे दिया है मैंने। बाहर का नज़ारा भी मैं दिखा दूंगी, गली का मतलब, आज नहीं किसी और दिन। तो मैं बाहर हूँ अभी, मेरा भी फेस दिखा देती हूँ। गर्मी है आज थोड़ा सा, कल बहुत ज़्यादा तूफान आया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा उससे पहले ब्लॉग्स में, तो इसकी वजह से मतलब कल शाम 4 बजे से करेंट नहीं था, आज दोपहर 11:30 या 12 बजे करेंट आया है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग्स ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, खास करके दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।